श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। परम पूज पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ खास उपाय बताए हैं, जो कि आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन यह उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के जिंदगी में अटकलियां ही अटकलियां आ रही हैं। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती है, चौथी परेशानी आ जाती है। उसके जीवन से कभी परेशानी खत्म ही नहीं होती है, तो वह व्यक्ति इस उपाय को करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल और थोड़े से लाल चंदन चाहिए। लाल चंदन का पाउडर ले लो आप, या आपके घर में अगर लकड़ी वाला चंदन है तो आप घिस के उसको भी ले सकते हैं। अगर घिस कर चंदन लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप घिस कर नहीं बना सकते चंदन, तो आप बुरादा आता है बाजार से, आप बुरादा भी ले सकते हैं। चंदन का बुरादा, कुमकुम रोली नहीं, चंदन का बुरादा आता है, इस चीज का विशेष ध्यान देना। लाल चंदन और एक लोटा जल लेकर आपको बेल पत्र के पेड़ के पास पहुंच जाना है। बेल पत्र के वृक्ष के पास में जाकर आप जो एक लोटा जल ले गए हैं, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर आप उस बेलपत्र की जड़ में वह जल धीरे धीरे समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो मंत्र आपसे बन सके उस मंत्र का उच्चारण करते हुए यह जल आप धीरे धीरे भगवान भोले को स्मरण करते हुए, अपनी कामना करते हुए, अपनी परेशानी को स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दो। आप अगर यह उपाय 3 से 4 सोमवार कर लेते हैं तो आपके जीवन से धीरे धीरे ये जितनी भी अटकलियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी आपके काम में रुकावट आ रहे हैं, सारे रास्ते धीरे धीरे आपके खुलने लगेंगे और आपके काम में बढ़ोतरी आने लगेगी। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को परिवारजनों में शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।